Hello and welcome to TeleTalkies, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में प्रतीक सहजपाल और जन्नत जुबैर के बीच में हुई है कांटे की टक्कर। दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा अब शो के बाहर। Well, दोस्तों, दोनों ही बहुत अच्छे और दमदार प्लेयर हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ना कोई तो हारता है और कोई ना कोई जीतता जरूर है। ऐसे में अब 12th सीजन में कौन है वो प्लेयर जो अनेरी वजानी के बाद अगला बनेगा घर वापस जाने के लिए। वेल, फैंस बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे फुल डिटेल्स क्या है। वेल, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हर एक कॉन्टेस्टेंट बहुत ज्यादा डेड डेविल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। रोहित शेट्टी खुद इस बार की टीम को देख कर बहुत हैरान है, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। कोई भी स्टंट हो, हर कोई बहुत ही जी जान लगाकर उसे परफॉर्म कर रहा है। काफी सारे स्टंट्स में जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट करने आए हैं खिलाड़ी, वो एक सेलिब्रिटी कम एक कॉम्पिटिटर के रूप में खुद को ज्यादा देख रहे हैं, और चाहे कितनी भी चोट लगे, वो लोग अपने स्टंट जी जान से परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रतीक सहजपाल और जन्नत जुबैर है, इन दोनों के बीच में भी एक टास्क हुआ था। इसके पीछे की फुल डिटेल्स आज हम आपको हमारे इस खास वीडियो में बताएंगे, और क्या पूरी सच्चाई है इन दोनों में से किसके घर जाने की, वो भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना अब ना भूलें। वेल, दोस्तों, प्रतीक सहजपाल और जन्नत जुबैर के साथ साथ एक और खिलाड़ी ने एक स्टंट परफॉर्म किया था, और जो कॉम्पिटिशन था इन तीनों के बीच में था। ऐसे में जो प्रतीक सहजपाल है और जो जन्नत जुबैर है, जन्नत जुबैर को एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक फियर फंदा था। ऐसे में एलिमिनेशन में वो एक और कॉन्टेस्टेंट के साथ स्टंट परफॉर्म करने गई, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक और जो दूसरा खिलाड़ी है वो दोनों सेफ हो गए। अब एलिमिनेशन स्टंट में जो जन्नत जुबैर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जी जान लगाकर स्टंट परफॉर्म किया, और वो घर जाने से, यानी कि शो से एलिमिनेट होने से बच गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब प्रतीक सहजपाल का एक और टास्क हुआ, तो उन्हें फियर फंदा मिल गया और वो अब डायरेक्टली एविक्शन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सच्चाई ये है कि इन दोनों में से कोई भी अभी घर नहीं गया है, लेकिन जो जन्नत जुबैर है वो सेफ है, लेकिन खतरा जो है अब प्रतीक के सर पे मंडरा रहा है। आप लोगों के क्या रिएक्शन है लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।